press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द गोश्त। ये उड़द गोश्त बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बनता है, लेकिन इसे डिफ़िकल्ट बना दिया गया है अलग अलग मसाले डालकर। इसकी खुशबू भी और इसका स्वाद भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आइए हम बनाते हैं आपको सिंपल तरीके से उड़द गोश्त, जो बेहद स्वादिष्ट बनेगा। ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर निशी शेख के कहने पर हम ये अपलोड कर रहे हैं। ये आइए अब हम जानते हैं इसके कुछ इन्ग्रीडियंट्स जो इसमें जाने वाले हैं। ये है हमारा आधा किलो गोश्त हुआ गोश्त। ये हमारे 250 ग्राम उड़द। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो हमने चॉप कर ली है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकती हैं। ये एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट है। ये हमारे कुछ पाउडर मसाले हैं। एक चम्मच धनिया, एक चम्मच मिर्च, एक छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है तो इसमें एक चम्मच हमने लिए, छोटा चम्मच। एक चम्मच नमक, 3 से 4 तेज़पात के पत्ते हैं। यह हमारा थोड़ा सा हरा धनिया है। यह आधी चम्मच हमारा गरम मसाला है और 5 से 6 हमने दो टुकड़े कर लिए हैं इनके हरी मिर्च। इन्हें बड़ा ही रखें, छोटी रखेंगे तो ये मुंह में आएंगी, इसलिए बड़े ही पीस बनते हैं। और ये 150 ग्राम हमारा सरसों का तेल है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड यूज़ कर सकती हैं, जो भी आप तेल यूज़ करें, लेकिन ये सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तेल है तेज़पात के पत्ते, इसे ज़रा देर हम इसे गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये अपना गोश्त हुआ हुआ गोश्त। अब इसमें हम डालते हैं एक प्याज, तो हम इसमें उड़द डाल देते हैं अपने, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। अब डालते हैं सारे पाउडर मसाले। ये हमने सारा मसाले हमने एक के साथ ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें डालते हैं पानी, बोतल दिखा दी, 1 लीटर के करीब आप इसमें पानी डालते हैं। अब हम इसको लगाते हैं कुकर को। अब हम इनसे 3 से 4 सीटी तो तेज आंच पर लेनी है, फिर उसके बाद में हमें बिल्कुल मीडियम आंच पे 13 से 14 सीटी हमारी आ गई है मीडियम आंच पे। फिर हमने 10 से 5 मिनट हल्की 13 से 14 सीटी हमें ले लिया था। देखते हैं इसे खोलकर। देखिए हमारे उड़द गल चुके हैं, लेकिन अभी हम जैसा चाहते हैं इस तरीके से नहीं गले हैं, तो हम इसे 1 सीटी के बाद हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारी इसमें 2 से 3 सीटी आ गई हैं और हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे रख दिया था। देखिए अब हमारे उड़द बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं और इनमें पानी भी नहीं लग रहा है, बहुत चिकनापन आ चुका है। अब हमें उड़दों को अपने हल्के हल्के मैश करने हैं। ये इस तरीके से आप इसे 2-4 मिनट मैश कर दें। फिर आखिरी स्टेप इसका बहुत ज़रूरी है, वो है इसे बिल्कुल स्लो आंच पर 7-8 मिनट ऐसे ही पकाना, ताकि इसमें चिकनापन आ जाए और इनके मसालों का सारा कच्चापन निकल जाए। ये आखिरी प्रोसेस है, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ज़रूर ध्यान दें कि हमें 4 से 5 मिनट या 6 से 8 मिनट जितने भी हम हल्की आंच पे पका सकें इसे। देखिए हमारे 7-8 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पर, और ये देखिए इसमें ऐसी थिकनेस, ऐसी चिकनापन आ चुका है उड़दों में। इसमें पानी में नहीं है, बिल्कुल चिकनापन है। अभी हमारे उड़द पक चुके हैं। अब हम इसमें बाकी बचाया हुआ हमारा ये गरम मसाला और ये हरी मिर्ची डालते हैं, और इसमें डालते हैं ये अपना हरा धनिया। देखिए ये हमारे उड़द अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए अब हमारा ये उड़द गोश्त बिल्कुल तैयार है।
ये हमारी डिश अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।